बाबू क्या हो शुना को। हाय गाइस, वेलकम बैक। सो अभी हम जा रहे हैं डी मार्ट, और मैंने सोचा था सुबह से ब्लॉग करूंगी बट नहीं करी। थोड़ा बहुत आज काम ज्यादा था तो कर रही थी वही सब, गैस बंद। सो अभी जो है हम जा रहे हैं, एंड आई थिंक मेरा ब्लशर कुछ ज्यादा ही आज दिख रहा है और कंसीलर मेरा खत्म हो गया है तो मेकअप ऐसी लग रहा है। मैं जा रही हूँ डी मार्ट, थोड़ा ग्रोसरी का आइटम लेना है, थोड़ा ग्रोसरी आइटम लेना है मुझे, तो मैंने सोचा चलते हैं डी मार्ट। और लास्ट टाइम मुझे काफी पसंद आया था तो इसलिए हमने सोचा चलो लेते हैं, चलते हैं इस बार भी। सोना क्या कर रहे हो, और देखते हैं क्या है। तो मैं आप सबको अपने साथ ले जाती हूँ, आज चलते हैं हम साथ साथ शॉप। मेरे हस्बैंड भी रेडी है, मैं भी रेडी हूँ और शोना भी रेडी है, तो जा रही हूँ। और आज मैंने गले का पहना है, थोड़ा अजीब लग रहा है बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बहुत अच्छा लगता है ये, एक्चुअली ये हाई नेक पे ही पहना जाता है तो मैंने सोचा चलो पहन लेते हैं और चलते हैं। थोड़ी बहुत सामान लेना है वो ले लेते हैं, और अभी चलिए मेरे साथ। तो या मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाय गाइस, सो जा रहे हैं अब हम अंदर डी मार्ट के और चलते हैं, चलते हैं अंदर और करते हैं थोड़ी बहुत शॉपिंग। नीचे वाला ले लूं, बड़ा वाला ये नहीं, से नीचे। हाँ, या फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा वो, मतलब ये वाला ले लो, मिडिल वाला, ये वाला ले लो। बट इसमें ये वाला तुम पसंद नहीं आ रहा है क्यों? अच्छा फ्लेवर वाला है, बिना फ्लेवर वाला लेना। टूटे हुए कौन से? ये सब है जैसा, तो फिर वो डब्बा लेना पड़ेगा ना पूरा। हाँ, इतना गुड़ क्या करो, छोड़ो। अरहर की दाल ले लो, अरहर की बाबू नहीं है, अरहर की दाल ले लो। दाल बेटा रुक जाओ, अभी लेना पड़ेगा फिर से। ₹10 ऑफ द ग्रुप। बाहर कितने का है इसका? देखो ना, ₹20 का है ना, ₹25 लिखा हुआ है इसका। हम अभी लिफ्ट में है और चल रहे हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर। चलो सेकंड पे चले, इसमें तो क्रॉकरी नहीं है। आ जाओ आ जाओ, उसमें क्रॉकरी नहीं है। हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। कल वाला जो ब्लॉग था मेरा वो अधूरा रह गया, जो कि डी मार्ट ब्लॉग था। तो हुआ क्या, लास्ट टाइम तो ब्लॉग कर लिया मैंने, शायद उन लोगों ने नोटिस नहीं किया, बट वहाँ के जो स्टाफ थे जो भी, इस बार हम कर ही रहे थे, आधा हो गया था, बट उन लोगों ने फिर मना कर दिया कि नई वीडियो नहीं बना सकते, तो फिर मैंने नहीं बनाया। तो मैंने कहा चलो छोड़ते हैं, फिर वो कहीं का ही ब्लॉग नहीं रहा, मतलब तो आधा अधूरा क्या डालती, इसलिए मैंने उस ब्लॉग को डाला ही नहीं। तो मे बी वो और ये मैं मिक्स कर दूंगी, तो अभी तक मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, तो अभी से मैं कर रही हूँ स्टार्ट ब्लॉग। और
जा रही हूँ अपना डिनर बनाने। अभी तक मैं बैठी हुई थी, बिल्कुल लेजी थोड़ा हो गई आज। और हाँ, जा रही हूँ, मेथी के पराठे बनाऊंगी और रायता होगा, दैट्स इट। और यही रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। या फिर मैं चाय भी अपने लिए बना लूँगी। मेरा चाय, मेथी पराठे के साथ चाय बहुत टेस्टी लगता है, हो सकता है मैं वो बनाऊँ। और तो मुझे वीडियो को स्टॉप करना होगा कुछ, पता है बाबू इसमें भर रहा है। हाय गाइस, सो जा रही हूँ पराठे बनाने और मैंने स्टफिंग तैयार कर दिया सब कुछ, बस मुझे पराठे बेलना है और सेकना है, दैट्स इट। और चाय बन रहा है, नीरव खेल रहा है इस वक्त। नहीं बिटना, ये किचन का कपड़ा है, रखा पड़ा, बदमाश है मेरा, जो बात है। सो ये जो है मेरा स्टफिंग, और इसमें मैंने लिया है प्याज है, धनिया पत्ता है, आप इसमें जिंजर डाल सकते हो और भी अच्छा लगेगा, ग्रीन चिली। बट आज मेरे पास पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि मेरे पास ग्रीन चिली नहीं है। कैन यू इमेजिन? नहीं तो ग्रीन चिली इतनी होती है कि मैं समझ नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या। तो इस वजह से मैं थोड़ा रेड चिली डाल रही हूँ, अदरवाइज वी डोंट नीड। ओके, हाँ जी बेटा, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देते हैं एंड मिक्स कर देते हैं नमक डालकर। सो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और हम इसको मिक्स कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, क्या चाहिए? मीरा को चाहिए क्या? गुस्सा हो रहा है बेटा, ये लड़का तो ऐसे गुस्सा होता रहेगा। और यहाँ पर मैंने आटा गूंद लिया है, ज़्यादा सॉफ्ट मैंने नहीं गूंदा है, और इसको मैंने रख दिया है तो ये अपने आप सॉफ्ट हो जाता है। तो अब मैं चढ़ा लेती हूँ तवा, तो मैं कर लेती हूँ गैस ऑन। जस्ट मैंने सूजी का हलवा बनाया था नीरव के लिए, तो इस वजह से थोड़ा गैस मैसी सा दिख रहा है, सो डोंट सी दिस। तो मैं मिलती हूँ पराठे बनाने के बाद आपसे। गाइस, तो मेरा पराठे कुछ इस तरीके का दिख रहा है। आई नो थोड़ा ये आपको स्टफिंग दिख रहा है, बट मैं भर भर के स्टफिंग डालती हूँ, मुझे क्योंकि कम स्टफिंग वाले बिल्कुल पसंद नहीं आते, मज़ा नहीं आता, फिर ऐसा लगता है आलू के पराठे नहीं, वो सिंपल पराठे हैं। तो मैं भर भर के डालती हूँ इसलिए। और इस तरीके का स्टफिंग दिख रहा है, ये मैंने कल के लिए रख दिया है ब्रेकफास्ट के लिए, और ये भी बना लूँ। ओके गाइस, सो ये है मेरे पराठे, ये हैं 6 पराठे और चाय, एंड मैं सोच रही हूँ मेयोनीज के साथ ट्राई करती हूँ कैसा लगता है। सो गाइस, बस अभी करती हूँ मैं डिनर। आई नो आज का कोई स्पेशल नहीं था, आज का कोई रूटीन अच्छा नहीं था डिनर का एक्चुअली, तो यही खाना पड़ रहा। या मेरे हस्बैंड आज कह रहे हैं मैं बहुत गोरी लग रही हूँ अभी पहले से, पता नहीं उनको कैसे लग रहा है, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, बट वो कह रही है चाय बहुत टेस्टी है, मेरे हस्बैंड बनाए, मैं भी खाओ। सो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी कि कल। बाय।